नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। राजपा द्वारा प्रधानमंत्री में ओली के समर्थन करवाक निर्णय, राष्ट्रपति में भंडारी के मत खसाओ। प्रधानमंत्री में ओली या राष्ट्रपति में भंडारी के मत नहीं देवा, जनकपुरक आंदोलनकारी युवा सब द्वारा मधेसी दल के आग्रह। महिला अधिकार सुनिश्चितता के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहल, मुख्यमंत्री राउत के प्रतिबद्धता। सरकार में महिला सहभागिता में अन्याय भेल, महिला सभक आरोप। संघीय संसदक सभामुख में महरा के कांग्रेस द्वारा समेत समर्थन, महरा निर्विरोध निर्वाचित। आ भारत में शर्त सहित इच्छा मरण करब पैबाक सर्वोच्च अदालत के। आप समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा नेपाल प्रधानमंत्री में केपी शर्मा ओली के समर्थन करत। रविदिन बैसल वाला प्रतिनिधि सभा के बैसार में प्रधानमंत्री के विश्वास के मत दिला पर स्वयं सब पक्ष में मतदान करबाक पार्टी के अध्यक्ष मंडल के सदस्य राजकिशोर यादव जानकारी करौने छथि। प्रतिनिधि सभा के शनि दिन के बैसार के बाद पत्रकार सब के प्रतिक्रिया दैत संविधान संशोधन में आ प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित रेशम चौधरी के मुद्दा के विषय में समेत सरकार संग सकारात्मक छलफल भ रहल धारणा रख लेने छ। सदस्य यादव छ प्रदेश में वाम गठबंधन के आ प्रदेश नंबर दू में अपना सबके सरकार गठन भ चुकल अवस्था में वही बमोजिम अगाड़ी बढ़ब विश्वास व्यक्त कल। सब तरह के चुनाव भक देश अगाड़ी बढ़ला से समृद्धि में सब के ध्यान देव प्रभाक में जोर दैत हो। संघीय सरकार संग सहकार्य का अगाड़ी बढ़ब उल्लेख कने छलथि। एमर सरकार में सहभागी नहीं होबा आ राष्ट्रपति के निर्वाचन में एमाले उम्मीदवार विद्या भंडारी के मतदान नहीं कर, जनकपुरक आंदोलनकारी युवा लोकन के एक संगठन मदेश केन्द्रीय दल सबके चेतावनी दिलक। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल राजपा आ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के चेतावनी दैत विज्ञप्ति में वही दल के नेता सबके मदेश प्रवेश में रोक लगाब धर के चेतावनी देल गेल। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल और राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल संघीय सरकार में सहभागी होब लागल कहित तराई मदेश के युवा लोकन हुनका सबके खबरदारी कलक। मदेश आंदोलन में संयुक्त लोकतांत्रिक मदेशी मोर्चा के गठबंधन में एकबद्धता जनबैत आंदोलन के अगुवाई केने युवा सबके संगठन संयुक्त मदेश संघर्ष समिति के शनि दिन बैसल बैसार से मदेश केन्द्रीय दल सबके खबरदारी करवाक निर्णय कल गेल। समिति के संयोजक धर्मेन्द्र शाह के अध्यक्षता में बैसल बैसार से मदेशवादी दल सबके नेपाल सरकार संग संविधान संशोधन कतेक दिन भीतर करब ओकर लिखित समझौता करब, जावत धर संविधान संशोधन नहीं हैत तावत धर कोनो समेत हालत में सहभागी नहीं होब, राष्ट्रपति के चुनाव में एमाले उम्मीदवार विद्या भंडारी के मतदान नहीं कर आ प्रधानमंत्री में ओली के समेत मतदान नहीं कर चेतावनी दिल गेल। फोरम राजपा भंडारी के मतदान करवा कहकर निर्णय कने प्रति वो सब विरोध समेत जनौलक। वही के अतिरिक्त तोकल गेल मिति भीतर संविधान संशोधन नहीं हैत मदेशवादी नेता सबके प्रदेश प्रवेश में निषेध कैल जेबाक धर के निर्णय भेल। समिति के लव कुमार झा जानकारी करौलने। शनि दिन जनकपुर के जनक चौक में बैसल बैसार में युवा लोकन लव कुमार झा, नवीन यादव, अशोक शाह, मुंजय राउत, शंकर शाह, सरोज शाह, मनोज भगत, पंकज शाह, संतोष कुमार सिंह लगायत के उपस्थिति छल। अंतर महिला संजाल धनुषा मंत्री परिषद में महिला सभक सहभागिता संविधान बमोजिम होब नहीं सकल कहित प्रदेश नंबर दू के मुख्यमंत्री के ध्यान आकर्षण करौलक। शनि दिन भोर में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के ज्ञापन पत्र बुझबैत महिला अधिकार कर्मी लोकन महिला अधिकार सुनिश्चितता के लिए प्रतिबद्ध रह मुख्यमंत्री संग मांग कने छलथि। मंत्रिपरिषद के विस्तार में गोटे महिला समेत समावेश नहीं कल गल प्रति आक्रोश व्यक्त करित सब बाकी रहल पद में महिला सबके सुनिश्चितता के लिए विशेष ध्यान देव मुख्यमंत्री के आग्रह कने छलखिन। मंत्रिमंडल गठन तो जना सुनम आयल 10 सदस्य मंत्रिमंडल गठन तो में फुल मंत्री में एक गोटा महिला के नहीं दिल्क आ राज्य मंत्री में एगो महिला के मात्रे दिल्क कि हम महिला सब हमर महिला सब जे जीतल या आयल जे सांसद बनिक उ महिला सब योग्य नहीं मंत्री बन जोग, खाली पुरुष सब मात्रे मंत्री बन जोग, तै के लागि महिलों के मंत्रिमंडल में गठन समायोजन कराऊ कहकर तै के लागि आयल ज्ञापन पत्र देव। मंत्रिमंडल में नेपाल के संविधान दुनिया में सब बहुत सारा प्रोग्रेसिव मुलुक के संविधान से बेहतर है। महिला का महिला फ्रेंडली आज संविधान में व्यवस्था अगर 33 फटे न करे पार्टी के 3 महिला के न रखते
बाध्यतावश संविधान में जो सुनिश्चितता है ओकरा बाध्यतावश कर रहे तो धीरे धीरे अब सिस्टम में अतः तो लेकिन हम लोग सब अहाँ के मांग अच्छा नहीं थी हमारा तरफ से प्रयास रहते अहाँ सबके मांग के समाधान कर ज्ञापन पत्र बुझे मुख्यमंत्री राउत संविधान तहत सरकार में महिला सहभागिताक लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छलथि। मुख्यमंत्री राउत महिला के अधिकार सुनिश्चितताक लेल अपन सरकार प्रतिबद्ध रहत धारणा समेत रखने छलथि। ओ अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के अवसर में स्वयं जारी केने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन प्रति कोनो शंका नहीं करय आग्रह करैत संविधान से महिला के देने अधिकार सुनिश्चित होयबाक में आशावादी होब आग्रह कयने छलथि। महिला संजाल धमसाक अध्यक्ष मंजू यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचल टोली मंत्रिपरिषद के विस्तार में महिला के उचित स्थान नहीं द संविधान के उपेक्षा कैल गेल कहित ज्ञापन पत्र बुझौने छल। नेकपा माओवादी के नेता कृष्ण बहादुर महरा प्रतिनिधि सभा के सभामुख में निर्विरोध निर्वाचित भेल छथि। प्रतिनिधि सभा के शनि दिन बैसल बैसार से माओवादी केन्द्रक नेता महरा के सभामुख में निर्विरोध निर्वाचित भेल घोषणा कयलक अछि। बैसार में प्रतिनिधि सभा के ज्येष्ठ सदस्य महंत ठाकुर एक गोटे के मात्र उम्मीदवारी पड़ला से महरा निर्विरोध निर्वाचित भेल घोषणा कयने छलथि। हुनका सभामुख में निर्वाचित कयल जाय के प्रस्ताव माले के नेता एवं पूर्व सभामुख सुभाष ने मांग कयने छलनि। तऽ माओवादी केन्द्रक नेता प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुंग आ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसक नेता डॉक्टर मीरेन्द्र रिजाल समर्थन कयने छलथि। सम्माननीय सभामुख महोदय समर्थन रहने छ र मान्य कृष्णबहादुर महरा को कार्यकाल में यी सभा को सभामुख पद में निर्वाचित गरियोस भन्ने एकमात्र प्रस्ताव को सूचना प्राप्त भएकोले प्रतिनिधि सभा को अंतरिम कार्यविधि 2074 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम मान्य श्री कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधि सभा को सभामुख पद में निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको घोषणा गर्दछु। प्रतिनिधि सभा को तर्फबाट हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। मान्य संविधान सहित विभिन्न मंत्रालय के जिम्मेवारी ल चुकल महरा सभामुख में निर्विरोध निर्वाचित भेल छथि। महरा प्रतिनिधि सभा दाङ क्षेत्र नंबर 2 से भारी मत से विजय भेल छलनि। एम्हर नवनिर्वाचित सभामुख कृष्ण बहादुर महरा प्रतिनिधि सभा के जनता के सब समस्या समाधान करय वाला स्थल के रूप में विकास करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छलथि। नवनिर्वाचित सभामुख महरा सब दल के सहमति में प्रतिनिधि सभा के जनता के भावना अनुसार अगाड़ी बढ़ेबाक समेत धारणा रखने छलथि। सभामुख में निर्विरोध निर्वाचित भेल लगते संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सब संगे बातचीत करते हो प्रतिनिधि सभा में जनता के भावना अनुसार अगाड़ी बढ़ाव आवश्यक सुझाव देव समेत सबके ओर आह्वान कयने छलथि। सभामुख महरा नया संविधान के कार्यान्वयन करबाक अपन मुख्य कार्यभार रहत समेत स्पष्ट कयने छलथि। मलाई प्रतिनिधि सभा को सभामुख पद में निर्विरोध निर्वाचित गरेको घोषणा गरेको छ। मैले यसलाई असाध्यै एउटा ठूलो ऐतिहासिक कार्यभार सम्झिन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ नयाँ संविधान बनिसकेपछि प्रतिनिधि सभा नयाँ प्रतिनिधि सभा छ। नयाँ प्रतिनिधि सभाका अगाडि धेरै चुनौतीहरू पनि छन् र सम्भावना पनि छ। नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने यसको मुख्य दायित्व हो र हामी सबैलाई थाहा छ संविधानले उल्लेख गरे अनुसार प्रतिनिधि सभा जनताको सार्वभौम सत्ता अभ्यास गर्ने सर्वोच्च अङ्ग हो। यो सर्वोच्च अङ्गमा सबै पार्टीहरू मार्फत जनताका सबै विचार जनताका आस्था जनताका मनोविज्ञान र भावनाहरू केन्द्रित हुन्छ र सबै वास्तवमा यहाँ केन्द्रित हुने ठलो भएको हुनाले यसको धेरै ठुलो महत्त्व छ। नेपाली जनताका सबै समस्याहरू केन्द्रित हुन दिने रूपमा यो प्रतिनिधि सभा अगाडि बढ्नेछ र छलफलको समुचित वातावरण बनाइनेछ र निकासको एउटा उत्तम थलो पनि यसलाई विकास गर्नेछ। यस कामका निमित्त मैले सभामुखको हैसियतमा प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गर्नेछु र यस कामका निमित्त पत्रकार साथीहरू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।
प्रतिनिधि सभा के सिन्दिन बैसल बैसार सा महरा के सभामुख में निर्विरोध निर्वाचित कैल गेल छल। एमहर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस अनुभवी नेता भेला सा कृष्ण बहादुर महरा के सभामुख में चयन कर समर्थन केने स्पष्ट कलक अछि। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला महरा अनुभवी नेता भेला सा सभामुख में चयन कर समर्थन कैल गेल प्रतिक्रिया देलनि अछि। महरा सभामुख में चयन भेल लगते संचारकर्मी सब समक्ष ओ महरा संग 48 साले सा सांसद भेल अनुभव रहल स्मरण करौने छलथि। महामंत्री कोइराला उपराष्ट्रपति में पार्टी के दिस सा पठाओल गेल महामंत्री कोइराला राष्ट्रपति में पार्टी के दिस सा पठाओल गेल उम्मीदवार के फिरता नहीं करब स्पष्ट कलन। फागुन 29 गते होबय जा रहल राष्ट्रपति के चुनाव में नेपाली कांग्रेस कुमारी लक्ष्मी राय के उम्मीदवार बनौने अछि। महाराजी को बैकग्राउंड हेने 12 वर्ष को जनयुद्ध में हो 40 साल देखि वहाँ निरंतर लग्न वहाँ अनुभव कम्युनिस्ट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को निके ठूल नेता हो वहाँ समर्थन कर राष्ट्रपति निर्वाचन में राष्ट्रपति विद्या भंडारी वाम गठबंधन के समर्थन में उम्मीदवारी देने छथि। जनजाति आ शहीद परिवार के सदस्य समेत भेला सा राय के राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनेबाक निर्णय जायज रहल कांग्रेस महामंत्री कोइराला के कहब छलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रवि दिन विश्वास के मत लेता। प्रतिनिधि सभाक ज्येष्ठ सदस्य महंत ठाकुर रवि दिन बेरिया में 3 बजे बैसवला बैसार में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विश्वास के मत लेब के कार्यसूची के विषय में जानकारी करने छथि। प्रतिनिधि सभा के सिन्दिन बैसल बैसार में बजे तो संविधान के धारा 76 के उपधारा 4 बमोजिम रवि दिन बेरिया में बजाओल गेल प्रतिनिधि सभा बैसार में प्रधानमंत्री विश्वास के मत लेब के व्यवस्था कैल गेल समेत स्मरण करौने छलखिन। यो संविधानले अंगीकार गरेको छ विगत कालमा पटक पटक चाहिँ गर्दै गयो चाहिँ त्यसकारणले गर्दाखेरि यतिखेरको सम्मान्य धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वास प्रतिनिधि सभाबाट विश्वास को मत प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभा को अंतिम कार्यविधि 2074 को दफा 82 को उपदफा 1 बमोजिम प्रस्ताव को सूचना दिनु भएकोले सो प्रयोजन को लागि सोही दफा को उपदफा 3 बमोजिम मिति 2074 फागुन 27 गते दिन को 3 बजे बस्ने बैठक को समय तोके को बेहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रक्रियाको यात्रा देखि शुरू देखि लगातार रूपले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री में नियुक्त भेल 30 दिन भीतर प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा सँ विश्वास के मत लेब पड़ित अछि। प्रतिनिधि सभा के सबसे नमहर दल के हैसियत में ओली के माओवादी केन्द्र के समर्थन में राष्ट्रपति विद्या भंडारी गत फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री में नियुक्त केने छलखिन। प्रदेश नंबर 2 के प्रजनन स्वास्थ्य के अवस्था देशभर में सबसे दयनीय रहल एकटा तथ्यांक देखौलक अछि। राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष जनकपुरधाम में आयोजन कने कार्यक्रम में प्रदेश के प्रजनन स्वास्थ्य अवस्था संबंधी तथ्यांक सार्वजनिक भेल अछि। प्रजनन स्वास्थ्य किशोर तथा युवा लैंगिकता आ जनसंख्या तथा दिगो विकास विषयक छलफल कार्यक्रम में वक्ता लोकन इच्छा विपरीत गर्भधारण करब पड़बाक बाध्यता के कारण प्रजनन स्वास्थ्य एहि क्षेत्र में चिंताजनक रहल धारणा व्यक्त कलन। नेपाल भर में प्रजनन स्वास्थ्य खराब रहल कहत सरकार एहि क्षेत्र में लगानी कर पड़बाक में वक्ता लोकन जोर देने छलथि। उस समय में उसी 64 साल में जनकपुर में दो घटना घटा था। एक 11 साल के लड़की के एक दलित के बेटी जो खाना लेकर जा रही थी और उसको 5 लड़ने ने मिलकर बलात्कार किया था, जिसमें हम लोग सब यहाँ पर 5-6 सांसद आए थे और उसके लिए काफी आवाज उठाए हम लोग। यहाँ तक महिला आयोग में भी उसका पत्र गया, मगर उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुई। उसी तरह एक प्रशासन के भीतर एक महिला के बलात्कार हुआ, प्रशासन के भीतर उसको भी दबाया गया। ऐसे ही करके हम लोग के आंदोलन देखकर महिलाओं के देखकर इंसानों के देखकर एक बहू ने यही उन्मा झाप कर एक लड़की थी जिसका मायके था यही मोतिहारी में यही जनकपुर में उसको सास उसका देवरानी उसकी नजर उसका सब मिलकर मार दिया गया, मगर उसका क्या इंसान मिला? कुछ भी नहीं। यही है कि जब से
मधेश आंदोलन बासठी तिरसठी का आंदोलन हुआ, महिलाओं ने आवाज उठाई, महिलाओं ने सांसद विधायक बनी, मंत्री बनी, और जब सांसद बनाने के बाद विभिन्न किस्म के समिति जो सात समिति गठन हुई, उस समिति के मसौदा अनुसार और महिलाओं के कार्य विधि के अनुसार आज जो महिलाओं में उत्साह जगी है वो भी ज्यादा नहीं, कम से कम वो 3% महिला आगे आई है। अभी तक 3% जो हम लोग 33% के मांग लिए, जो इससे पहले संविधान सभा के जो चुनाव हुआ था उसमें महिला की स्थिति क्या थी। अभी के समय में महिला को 33% दिया गया है, चाहे प्रतिनिधि सभा हो या प्रदेश सभा हो। अभी सिर्फ देने से नहीं होगा, नीति नियम कानून इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ सभामुख जी है, धेरै नै खटहरू भइरहेछन्, तर जति हुनु पर्ने, जति उपलब्धि हुनु पर्ने त्यो छैन, भएका छन् नभएका छैन। यो कार्यक्रमले धेरै भएका छन् तर जति हुनु पर्ने त्यो छैन, कहीँ कहीँ वास्तवमा भएका छन् भने उहाँले समन्वय गरी एकीकृत रूपमा विकासमा लाग्नु आवश्यक देखिन्छ। अहिले सम्म प्रदेश सभाको सञ्चालन सम्बन्धी प्रदेश सभा कार्यविधि नियमावली पनि बनिन सकेको हुनाले राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष UNFPA के लुबना बाकी नेपालमा परिवार नियोजनको क्षेत्रमा सरकार 7% बजेट छुट्याउने रहितो लगानी हो भन्ने सकल बताउने छले। ऊ नेपालमा परिवार नियोजन सहित प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित गरके दिशामा खासै किछ पहल नै कयल गेल प्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने छले। UNFPA के अनुसार प्रदेश दुमे दक्ष स्वास्थ्यकर्मी के पहुँच नै भेलासँग कतेको शिशु सबके मृत्यु भ रहल छ। कार्यक्रममा किशोरी शिक्षामा जोड देव सकल गेल तहन मात्रै भयावह स्थितिमा परिवर्तन आवश्यक बाक धारणा राखल गेल छल। UNFPA प्रदेश सांसद सबके किशोरी के 20 वर्ष के बाद विवाह करेबाक जगह ठोस नीति लाभ आग्रह समेत कयल गेल छल। कार्यक्रममा प्रदेश सांसद लोकनि महिला हिंसा, लैंगिक विभेद, प्रजनन शास्त्र लगायतके क्षेत्रके सुदृढ बनाबऽ प्रदेशमा ठोस नीति लालजेबाक प्रतिबद्धता जाहिर कयने छलथि। प्रदेश सभा सदस्य सुरिता शाह, मंजू यादव सहितक सब अपन अपन धारणा रखने छलथि। तेना अशोक यादव, राम कुमार यादव सहितक सब समेत अपन अपन मंतव्य रखने छलथि। प्रदेश सभाक सभामुख सरोज कुमार यादव के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में विभिन्न दलक प्रदेश सभाक सदस्य लोकन के सहभागिता छलनि। त्रेतायुग में जानकी के जन्म भेल स्मरण में हरेक वर्ष मनाओल जाय वाला जानकी नवमी के दिन राष्ट्रीय छुट्टी घोषणा होब पड़बाक विभिन्न पक्ष से आवाज उठल। पोहर साल जानकी नवमी के दिन धनुषा महोतरी में मात्र छुट्टी दिल गया, सही बेर एक राष्ट्रीय पावन घोषणा का कमती में प्रदेश नंबर 2 में सार्वजनिक छुट्टी देव पड़बाक मांग कयल गेल। जानकी मंदिर के सहायक महंत राम रोशन दास के अध्यक्षता में भेल विचार गोष्ठी में विभिन्न राजनीतिक दलक प्रतिनिधि लोकन, समाजसेवी तथा पत्रकार लोकन विगत से अ बेर बेसी भव्यता के साथ जानकी नवमी मनाब पड़बाक विचार व्यक्त कयने छलथि। कार्यक्रम में बजट नेपाली कांग्रेस के जिला सभापति एवं प्रदेश सभा सदस्य राम सरोज यादव नेपाल के विभिन्न स्थान के संगे भारत के विभिन्न ठाम से आवय वाला श्रद्धालु के व्यवस्थापन कर नगरपालिका सहित सबके पहल कर पड़बाक धारणा रखने छलथि। ओ जानकी नवमी के देश तथा विदेश में प्रचार प्रसार के लिए नेपाली तथा भारतीय मीडिया सब संग समन्वय कर पड़बाक में जोर दिलन। तेना प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह विगत में स्थानीय जनप्रतिनिधि लोकन नै भेला सँ कर्मचारी लोकन भूमिका खेलने आप जनप्रतिनिधि सब आबि चुकला सँ अइबेर के जानकी नवमी भव्यता के साथ मनाब ओ सब भूमिका खेल पड़बाक आ हुनका सबके भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक धारणा रखने छलथि। कार्यक्रम में जनकपुर उप महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह समेत अपन मंतव्य रखने छलथि। अब जानकी नवमी के भव्यता के साथ मनाब के लिए कोनो कसर बाकी नहीं राखब धारणा रखने छलथि। जनकपुर जानकी मंदिर अब तक के पौराणिक धर्म संस्कृति चिन्हल जायत भेला सँ प्रदेश सभा सदस्य के संगे स्वयं अतः के स्थानीय के हैसियत सँ सहयोग के हर संभव प्रयास करबाक प्रतिबद्धता सब जनौने छलथि। कार्यक्रम में जानकी मंदिर के सहायक मंत्र राम रोशन दास आगामी बैशाख 11 गते से शुरू होबय वाला जानकी नवमी 15 दिन धरि चलत आ मनाओल जेबाक, तेना नवमी में रामायण मेला के समेत आयोजना कयल जेबाक धारणा रखने छलथि। कार्यक्रम में प्रशासनिक निकाय के प्रमुख लोकन, प्रहरी प्रमुख लोकन के समेत सहभागिता छलनि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा बादल भ्रष्ट अपराधी आ तस्कर सब ऊपर कड़ा कार्यवाही करबाक चेतावनी देलनि अछि। गृहमंत्री थापा देश आ जनताक एखन के आवश्यकता अपराधी भ्रष्ट आ तस्कर सबके अंत करब रहल उल्लेख करैत ओहि अभियान में सरकार के साथ देव समेत युवा विद्यार्थी लोकन के आह्वान कयने छलथि।
कैलाली के देवकली में डायन के आरोप में चरम यातना देवे वाला दोषियों पर कड़ा कार्यवाही मांग करित ज्ञापन पत्र बुझावत सही दिन गृह मंत्रालय पहुंचल प्रमुख तीन दल में आबद्ध विद्यार्थी संगठन के नेतृत्व संघ के सामूहिक भेंट में हो देश के गरीबी से मुक्त बनाव समेत अपराध कर्म में लागल सबके अंत करवाक अभियान में सरकार लायक पड़त धारणा रखने छे। ये अपराधी दंड नदिनी आज का आवश्यकता ती भ्रष्ट ती अपराधी ती तस्कर ती अपराधी ती व्यभिचारी आतताई ती जनता का शत्रु ती अपराधी अपराधी को लगी के उन्ले सजाए पाने पर्च कठोर भाग कठोर सजाए पाने पर्च आज इन्हें अपराधी को कारण देश अशांत तीन अपराधी का कारण देश गरीबी को एउटा दुष्चक्र में फसेको छ। तीन अपराधी को कारण आज लाखों युवा युवती आज यह देश छोड़कर मुगलान जाने से उन बात कारण ये अपराधी को अंत्य को माग आज को इतिहास का आवाज हो। अहिले भर्खर जो निर्वाचन भएको छ जनता को जनादेश हो ये अपराधी समाप्त पार र यो दरिद्रताबाट यो दुष्चक्रबाट हामीलाई मुक्त गर भन्ने जनता को जनादेश यो निर्वाचन को माध्यमबाट पनि जनताले हामी मुख्यतः युवाहरूलाई त्यो जनादेश दिएका छन्। गृहमंत्री थापा शैक्षिक माफिया विरुद्ध डेट का सामना कर के अभियान में सरकार के साथ देव समेत युवा विद्यार्थी लोकन के आग्रह कने छलथि वो विद्यालय कॉलेज सब में 12% के दर से युवा दुर्व्यवसायी बढ़ित गेल पाल गेल उल्लेख करित ओकरा घटाव सरकार योजनाबद्ध ढंग से लायक परत धारणा रखने छलथि। कैलाली के देवकली में कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्रा राधा चौधरी पर डायन के आरोप में 6 घंटा धरि लगातार मारपीट केने घटना में संलग्न दोषी के तत्काल गिरफ्तार कर कार्यवाही कर मांग करित प्रमुख विद्यार्थी संगठन अनिरा सवि नेपाल विद्यार्थी संघ अनिरा सवि क्रांतिकारी गृहमंत्री थापा के ज्ञापन पत्र बुझौलक। महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मंत्री थम माया थापा हिंसा के संस्कृति के अंत कर जरूरी रहल धारणा रखने छले। मंत्री थापा मानव हिंसा के घटाव पशु हिंसा के तत्काल अंत कर पड़वाक आवश्यकता में समेत जोर देने छले। ओ शाकाहारी के माध्यम से हिंसाजन्य गतिविधि के अंत करित विश्व में बढ़ रहल भुखमरी के घटाव सहयोग पुगत स्पष्ट केने छले। शनि दिन से काठमांडू में शुरू भेल एशिया प्रशांत क्षेत्रीय शाकाहारी सम्मेलन में बजैतो थापा गरीबी हटाव आ भुखमरी के समस्या से छुटकारा पाव समेत शाकाहारी संस्कृति के अवलंबन कर देरी निकरबाक चाही में जोर देने छले। मनोविज्ञान में हिंसा का गहन असर पड़े पशु हिंसा का संस्कार मानव हिंसा में उपने भएकोले हाम्रो जीवन में हिंसा को संस्कृति हटाउन जरूरी छ जो संस्कार हटाउन को लागि शाकाहारी दो दिन देर चल वाला सम्मेलन में शाकाहारी के माध्यम से मानव जीवन में पड़े वाला सकारात्मक प्रभाव के विषय में विस्तृत सफल होबाक बताओल गेल अछि। विश्व में मांसाहारी के लेल पालल गेल पशु के लेल कुल उत्पादन के 70% अनाज खर्च कर पड़बाक भेला से भुखमरी के समस्या और बढ़ कर जा रहल विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन देखा रहल अछि। आगामी जेठ महीना भीतर प्रदेश नंबर एक के राजधानी के निष्कर्ष लागत प्रदेश नंबर एक के मुख्यमंत्री शेरधन राय आगामी जेठ भीतर प्रदेश के राजधानी निष्कर्ष लागत धारणा रख लेने वो राजधानी तय कला पर केकरो समय दबाव में नहीं पड़कर निर्णय लेल जेबाक स्पष्ट कलन प्रदेश के राजधानी धनकुटा बनाबत दबाव दैत विराटनगर में दैनिक प्रदर्शन भ रहा है मुदा मुख्यमंत्री राय प्रदेश के राजधानी तय करे के काम दबाव में नहीं होबाक स्पष्ट कलन शनि दिन काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बजैत हो प्रदेश के राजधानी तोक के काम प्रदेश सभा के दू तिहाई बहुमत से कैल जेबाक संवैधानिक व्यवस्था के विषय में समेत स्पष्ट कने छलथि। एकको राजधानी तोक्ने कुरा र नामाङ्कन को विषय टुङ्गाउने कुरालाई छिट्टै हामी औपचारिक रूपमा हामी प्रवेश गराउँदैछौँ। सरकारले सहजीकरणको भूमिका खेल्ने हो त्यसकारण हामी छिट्टै नै यो विषयलाई टुङ्ग्याउँछौँ। संविधान त प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले टुङ्ग्याउने अधिकार राख्दछ अन्तिममा त्यही सभाले नै टुङ्ग्याउँछ तर हामी यसलाई कुनै दबाबमा कुनै आक्रोशमा कुनै सेन्टिमेन्टमा
मुख्यमन्त्री राई प्रदेश नम्बर एक के नमूना प्रदेश बनाबजका कुरुयोजना बनाब लागल समेत उल्लेख कयलनि। ओ सुशासन आ समृद्धि के स्वयं नेतृत्व के प्रदेश सरकार उच्च प्राथमिकता देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छलथि। पुनः स्वागत छ अपन न्यूजमे। आब ने बाँकी समाचार। जेल भीतर आमरण अनशन में बैसल टीकापुर घटना के अभियुक्त रेशम चौधरी इलाज कर नै मानला के बाद काठमांडू स्थित सेंट्रल जेल पठाओल गेल। सात दिन से अनशनरत चौधरी के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या देखल गेला के बाद सेती अंचल अस्पताल में भर्ना कराओल गेल छल। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सजन केसी इलाज के लिए काठमांडू रेफर कयल गेल धारणा रखने। कारागार प्रशासन चौधरी के शुक्र दिन दोपहर में सेती अंचल अस्पताल पहुँचौने छल आ ओ इलाज कर नै मानने छलथि। शनि दिन भोर में अनशन टुटाब के प्रयास भेल छल मुदा राष्ट्रीय जनता पार्टी के निर्णय नै आब धरि अनशन तोड़ाब संभव नै छल। शनि दिन दोपहर में 3 बजे दिस चौधरी के फिर से अंचल अस्पताल में पहुँचाओल गेल छल। हुनकर रक्तचाप एकदम घटल देखल गेला के बाद चिकित्सक लोकनि हुनका रेफर कर कहने छल। कैलाली के प्रमुख जिला अधिकारी गोविंद रिजाल चौधरी के हवाई जहाज में काठमांडू पठाओल गेल बतौलनि। कैलाली 100 प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित चौधरी शपथ कराब पड़बाक लगात के मांग रखैत आमरण अनशन में बैसल अछि। हिरासत भीतर अनशनरत चौधरी के छोड़ाब मांग करैत राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंडलक नेता लोकनि गृहमंत्री रामबहादुर थापा संगे समेत भेटवार्ता कयलनि अछि। चौधरी 2072 भादो 7 गते कैलाली में भेल थरवट आंदोलन के क्रम में SSP सहित 7 सुरक्षाकर्मी के हत्या भेल घटना के मुख्य आरोपित मानल जाइत अछि। धनुषा निर्माण व्यवसायी संघ के 15वां साधारण सभा जनकपुर में शुरू भेल अछि। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के हॉल में जारी साधारण सभा से जिला अधिवेशन पूर्व के तैयारी सब कयल जेबाक आ नया विधान के समेत निर्माण कयल जेबाक धनुषा निर्माण व्यवसायी संघक अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र जानकारी कयलनि छथि। विधान निर्माण सेहो करबे होइ छै। विधान बहुत पुरान छै, नया विधान बनाकर तकर बाद निर्वाचन प्रक्रिया होइ छै। उद्घाटन समारोह के संबोधन करैत विभिन्न पाट्याबद्ध निर्माण व्यवसायी लोकनि प्रदेश नंबर 2 के निर्माण काज के ठिक्का पट्टा प्रदेश भीतर के निर्माण व्यवसायी सबके देबा पर बाक सहितक धारणा रखने छलथि। आइ मे कनि कतौ न कतौ सब चुर गेल छै कि अब खैर जे भ गेल होना जरूरी छलै उ नै भेलै, जे कि हमर सबके दुख सुख अपने आप में बांट रहल छै। जबकि एकटा प्रदेश के राजधानी भ गेलै, प्रदेश के जे सब निकाय सब छै जतने, ताहिमे कनि कि हमर सबके आवाज, निर्माण व्यवसाय के समस्या, ई सब किसिम के वातावरण, ई सब जे हम सब जे एकटा मौका में अभी जे कह पैति तऽ कते आनंद होइत, ताहिसँ हमसब अभी वंचित भ गेलियै। अपने आप में हमसब पीड़ा बांट रहल छै, ये एकटा दुख के बात छै। सहयोग करू, विधान के रूप में बनतै, कहाँ कहाँ संघर्ष करे पड़तै हम तैयार छी। दोसर अभी मुख्यमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री ये के बुझाया विचार नहीं भेटल छे, हम सब की संघर्ष करे जाए, हम सब की मांग करे जी। हमरा सब के पहिलका मांग रहत अई प्रदेश के निर्माण में चाही, अही प्रदेश के निर्माण में चाही ठेका पट्टा। सबसे पहिलका पास हम करवाए अई मुख्यमंत्री से आग्रह करा के प्रदेश के मंत्री परिषद से हम अहाँ सबके ई बात जानकारी करा रहा। समारोह में संघक संस्थापक अध्यक्ष दिगंबर चौधरी आ प्रदेश नंबर 2 के संयोजक सुरेंद्र प्रसाद चौधरी मुन्ना तेना चर्चित निर्माण व्यवसायी बलराम महतो सहितक सबके सहभागिता छलनि। जनकपुरक सिद्धार्थ शिशु सदन स्कूल SEE 2074 के विद्यार्थी सबके शुभकामना दैत विदाई कयलक अछि। विद्यालय में एकटा समारोह के आयोजन कऽ विद्यालय SEE 2074 के बैच के SEE परीक्षा 2074 के शुभकामना दैत विदाई कयलक अछि। क्लास 10 का बच्चा हमको लागि अब SEE परीक्षा में परिणत भ चुकल अछि। कक्षा 12 धरि के शिक्षा अब SEE प्रणाली में होबाक समेत निश्चित भ चुकल अछि। शुभकामना को लागि यो कार्यक्रम को आयोजना गरिएको छ। यो कार्यक्रम को मुख्य उद्देश्य जो बच्चाहरुमा एउटा उत्साह, जो परीक्षाबाट डर र त्रास हटोस, एउटा हेल्दी वातावरण, एउटा रिल्याक्स वातावरणमा तिनीहरु एक्जाम दिन जाओस् र त्यो जाँचमा राम्रो गरेर आओस्।
एसईई परीक्षा में विद्यार्थी सबके मनोबल बढ़ो, भय डर तरास मन से निकलो, ते उद्देश्य से विद्यालय से एहन कार्यक्रम आयोजन कैल गेल। विद्यालय के शिक्षक लव कुमार झा जानकारी करौने छलथि। परीक्षा में सहभागी कराब कार्यक्रम के आयोजना कैल गेल छल। अगिलगी घटना के खबर पौने लगते जनकपुर में रहल प्रदेश नंबर 2 के कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह सही दिन घटनास्थल में पहुंचकर पीड़ित परिवार संग भेंटघाट कर सप्तरी में आवश्यक जानकारी लेलक। घटनास्थल में पहुंचकर वो पीड़ित खातून परिवार संग अगिलगी घटना के विषय में जानकारी लेबक के साथ ही घटना के सत्य तथ्य छानबीन आ आवश्यक क्षतिपूर्ति के लिए पहल करबाक आश्वासन देने छलथि। घटना से अपना दुखित पहुँचौने हुनक कहब छलनि पीड़ित परिवार पुराना ऋषि साधक लेल किछ व्यक्ति आगजनी केने बतौला के बाद जवाब में मंत्री कहलनि अपने सब निर्धर पाव घटना के विषय में सूक्ष्म अनुसंधान के लिए हम पहल करब। काठमांडू के बिरकुटी मंडप में जारी 7वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में शनि दिन धेर करीब 5 करोड़ के आर्थिक कारोबार भेल। बृहस्पति दिन से शुरू भेल मेला के तेसर दिन शनि दिन धेर करीब 5 करोड़ के आर्थिक कारोबार कैल गेल। 5 दिन धेर चलब वाला मेला के तेसर दिन धेर करीब 25,000 अवलोकनकर्ता सब मेला अवलोकन केने समेत मेला आयोजक समितिक सदस्य विष्णुराज ढकाल जानकारी करौने छथि। नेपाली वस्तु के उत्पादन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवर्धन करबाक उद्देश्य के साथ मेला के आयोजन कैल गेल। आब इंटरनेशनल न्यूज। भारत में अंतिम अवस्था में पहुंचल बीमार सब इच्छा मरण रोजा पाव के निश्चित भेल। भारत के सर्वोच्च अदालत आदमी में सम्मान के साथ मर पाव के अधिकार रहल कहित अंतिम अवस्था में पहुंचल बीमार सब इच्छा मरण रोजा सकबाक फैसला कैल गेल। अदालत आदमी सब लिविंग विल कहल जाय वाला इच्छा पत्र लिख सकबाक आ इच्छा पत्र में वो सब स्वयं कथन कदाचित वेजिटेटिव स्टेट अर्थात पूर्णतः निष्क्रिय आचत अवस्था में पुगल खंड में कृत्रिम ढंग से मात्र जीवित राखब उचार विधि नहीं अपनाओल जाय कहकर लिख सकैत अछि। तकरा बाद किछ निश्चित शर्त पालना कला के बाद अंतिम अवस्था में पहुंचल व्यक्ति के कृत्रिम ढंग से जीवित राख कर राखब इलाज बंद कक समेत हुनका सबके सहज रूप में मृत्युवरण कर देव सक के भारतीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। अंतिम अवस्था में वा अचेत अवस्था में आ निक नहीं होवे वाला रोग से ग्रसित भेल बीमार सब मात्र इच्छा मरण लेब पाब के कानूनी व्यवस्था लाओल गेल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। राज्यपाल द्वारा प्रधानमंत्री के ओली के समर्थन करवाक निर्णय, राष्ट्रपति में भंडारी के मत फसाओ। प्रधानमंत्री में ओली या राष्ट्रपति में भंडारी के मत नहीं देव जनकपुरक आंदोलनकारी युवा सब द्वारा मधेसी दल के चेतावनी। महिला अधिकार सुनिश्चितता के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहल, मुख्यमंत्री राउत के प्रतिबद्धता, सरकार में महिला सहभागिता में अन्याय भेल महिला का आरोप। संघीय संसदक सभामुख में महरा के कांग्रेस द्वारा समर्थन, महरा निर्विरोध निर्वाचित। आ भारत में शर्त सहित इच्छा मरण कर पावक के सर्वोच्च अदालत के फैसला। अपन न्यूज एखन के लिए इतव्या, पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहो। नमस्कार।